राधे राधे भक्तों, आज हम आपको श्री भक्तमाल में वर्णित सदना कसाई की कथा सुना रहे हैं। एक ऐसा कसाई जिसकी भक्ति पर भगवान रीझ गए थे और उसको दर्शन दिए थे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सदना जी भगवान के परम भक्त और भाग्यवान हुए। जाति के कसाई थे। सोने को जितना कसौटी पर घिसा जाता है उतना ही वह शुद्ध और चमकीला हो जाता है। उसी प्रकार से सदना जी कसाई थे, लेकिन भगवान में अत्यंत प्रीति होने के कारण उनका मन निर्मल था। इसी कारण इनके पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो गए थे और अपने हाथ से कभी हिंसा नहीं करते थे, बल्कि अन्य जाति वालों से मोल लेकर ही मांस बेचते थे। इनके पास पूजा करने के लिए एक भगवान शालिग्राम की मूर्ति थी। जो कोई ग्राहक मांस लेने आता, मैं जितना भी मांगता उसको बाट की जगह उस मूर्ति से तोल देते थे। एक दिन किसी साधु ने वह मूर्ति देखी तो सोचने लगा कि कसाई के पास ऐसी मूर्ति का क्या काम। इसलिए सदना जी के पास जाकर उसने वह मूर्ति मांगी। सदना जी ने तुरंत उसको दे दी। रात को स्वप्न में भगवान ने उस साधु से कहा कि हमारी मूर्ति तो जहाँ से लाया है वहीं पहुँचा दे। साधु ने कहा, महाराज ऐसी नीच जाति में आपका निवास कैसे हो सकता है। तब भगवान ने फिर कहा कि मैं उस कसाई के यहाँ बड़ा प्रसन्न रहता था। जब वह मुझे अपनी तराजू के पलड़े पर रखता था तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता था कि मैं झूले पर बैठा हूँ। जब वह ग्राहक से बातचीत करता है तो मुझे कीर्तन करता हुआ मालूम पड़ता है। लाचार होकर साधु दिन निकलते ही भगवान की मूर्ति को लेकर सदना जी के पास पहुंचा और सब बात कहकर सदना जी को वह मूर्ति दे दी। सदना जी सब वार्ता सुनकर प्रेम में मगन हो गए और उसी समय हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और सब गृहस्थाश्रम को त्याग कर जगन्नाथपुरी को चल दिए। मूर्ति को सिंहासन सिर पर रख लिया। रास्ते के एक गांव में कोई स्त्री इनके सुंदर स्वरूप को देखकर इन पर मोहित हो गई। उसने बड़े प्रेम से इनको भोजन कराया और रात को इनके संग ही चलने का आग्रह करने लगी। लेकिन सदना जी ने तत्काल ही कहा, प्राण रहते तो यह काम मुझसे ना हो सकेगा। स्त्री यह समझी कि जब तक तेरा पति जीवित है तब तक यह कर्म मुझसे ना होगा। ऐसा समझकर तुरंत ही अपने सोते हुए पति को मार के आ गई और कहा कि मैंने आपकी आज्ञा अनुसार अपने पति को मार डाला है, अब तो मुझे साथ ले चलिए। सदना जी ने कहा कि तू बड़ी मूर्ख स्त्री है। अरे हम तो वैरागी हैं, हम तो तुझसे पहले ही कह चुके हैं कि यह काम हमारे बस का नहीं है। जब उन्होंने इस प्रकार से बोला तो वह स्त्री नहीं मानी और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी कि हाय, इस साधु ने मेरे पति को मार डाला, वह मुझे भगा के ले जाना चाहता है। यह शोरगुल सुनकर वहाँ बहुत भीड़ जमा हो गई। सदना जी को पकड़कर बहुत से मनुष्य कोतवाली में ले गए। वहाँ राजा के सामने ले जाने पर सदना जी से सवाल पूछा गया तो सदना जी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। तब राजा ने इनका हाथ कटवा कर छोड़ दिया। सदना जी को हाथ कट जाने से किंचित भी दुख नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर भगवान का स्मरण करते हुए जगन्नाथपुरी को प्रस्थान किया। जब ये पुरी के निकट पहुँचे तो जगन्नाथ जी महाराज ने प्रसन्न होकर इनको लेने के लिए अपनी सवारी का डोला भेजा। सदना जी की इच्छा तो पैदल चलने की थी, क्योंकि डोले पर चढ़कर जाने से भगवान का अपमान होता था। लेकिन सबके बहुत आग्रह करने पर सोचा कि भगवान की यही आज्ञा है तो मान लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर डोले पर सवार होकर मंदिर में पहुँचे। वहाँ पर बड़े आनंद और प्रीति से भगवान के दर्शन किए और हाथ जोड़कर दंडवत की। भगवत कृपा से दोनों हाथ जैसे थे वैसे ही हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी रही कि वे क्यों काटे गए। भगवान के राज्य में कोई निरपराध तो दंड पाता नहीं है। रात में
स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी, उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी जिसने तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा और तुमने भय आतुर गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इसी पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया है। भगवत भक्ति का यही प्रताप है कि इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। सदन्ना ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विवल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम को पधारे। महाभारत में लिखा है कि चारों वेद का पंडित भी यदि मेरा भक्त नहीं है तो उसे भी मैं प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। और ऐसा ही श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंध में लिखा है, भक्ति श्रेष्ठ है सदन की कही कथा मति थोर, भव सागर से तरही जो बजही सदा चित चोर। देखा आपने भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, उनके प्रारब्ध को थोड़े में ही काट देते हैं। यदि इस कथा ने आपके दिल को छुआ है तो उसे अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक का बटन दबाएं और कमेंट में राधे राधे भी लिखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।